हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड से बुक में। दोस्तों, अगर आप स्मार्ट कॉइन यूजर हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में स्मार्ट कॉइन से रिलेटेड एक नई अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं मैं। दोस्तों, आइए देखते हैं ये अपडेट हमारे लिए जो है फायदेमंद है या फिर इस अपडेट से हमें नुकसान होने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपने अभी तक माइंड सर्वो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। उससे ये होगा जब कभी इस चैनल के ऊपर आप सभी के लिए कोई नई वीडियो पब्लिश होगी उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन के ऊपर आपको मिल जाएगी और आप उस नोटिफिकेशन के जरिए माइंड सर्वो के यूट्यूब चैनल की सभी वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी माइंड सर्वो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, जैसा कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला था स्मार्ट कॉइन से रिलेटेड एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक हमें लोन लेना होता था इंस्टेंट तो हम स्मार्ट कॉइन और क्रेडिट बी जैसी एप्लीकेशन में अप्लाई करते थे और वहाँ से हमें सेम डे में लोन रिसीव होता था अगर हमारा सिविल स्कोर सही होता था। दोस्तों, पिछले दिनों बहुत सारे कमेंट मुझे रिसीव हुए हैं स्मार्ट कॉइन से रिलेटेड, जहाँ पर मुझे ये देखने के लिए मिलता है आप सभी के द्वारा कमेंट किया हुआ कि मेरा जो है लोन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है या बहुत सारा लोन एप्लीकेशन जो है प्रोसेसिंग में रहता है और बिना किसी रीज़न के रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है स्मार्ट कॉइन में डे बाई डे जो है हो रहे हैं और यहाँ पे अब जो है एक नया अपडेट सामने में निकल के आ रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन को अभी तक अपडेट नहीं किया है या फिर आप चाहते हैं इन फ्यूचर स्मार्ट कॉइन से लोन लेना, अगर आप नए यूजर्स हैं तो आपको अब जो है स्मार्ट कॉइन पे लोन लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना पड़ेगा। पहले आप स्मार्ट कॉइन से आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर लोन ले पाते थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉइन में लोन लेने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ साथ आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप भी अपलोड करना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपना अपलोड करना होगा। दोस्तों, इन सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी ये कन्फर्म नहीं है कि स्मार्ट कॉइन आपको लोन जो है सर्व करेगा, क्योंकि जैसे ही ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आपको एक लोन का ऑफर दिया जाएगा। हो सकता है आपका वो लोन जो है कुछ दिनों के लिए लॉक आपको दिखाई दे। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से स्मार्ट कॉइन से अब आने वाले टाइम में बहुत ही कम जो है लोन हमें रिसीव होगा। अगर आप स्मार्ट कॉइन के एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं तो बहुत जल्द आपको ये अपडेट आपके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में भी दिखेगा, जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होगा। अब वहीं पे अगर आप आधार कार्ड पैन कार्ड से अभी तक लोन लेते हुए आ रहे हैं तो अब आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी अपना इस एप्लीकेशन में सबमिट करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए अगर आप स्मार्ट कॉइन के यूजर्स हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।